हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरवी गावरी। लास्ट कुछ लेसन में हमने ई माइनर सी मेजर कॉर्ड्स किए हैं और आज हम लोग डी मेजर कॉर्ड करने वाले हैं। इन तीनों कॉर्ड को मिलाकर आज हम एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। इन तीनों कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन में आप काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स आसानी से प्ले कर पाएंगे। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इन तीनों कॉर्ड के कॉम्बिनेशन पर कुछ सॉन्ग्स बताऊँगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारा अगला कॉर्ड्स। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं गिटार कॉर्ड्स डी मेजर कॉर्ड। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं डी मेजर कॉर्ड, और डी मेजर कॉर्ड की पोजीशन आपको डायग्राम में दिख रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी फिंगर कहाँ पर रखना है, कहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है। तो शुरू करते हैं डी मेजर कॉर्ड की पोजीशन। फर्स्ट फिंगर मैं रख रहा हूँ मेरी थर्ड स्ट्रिंग पर, सेकेंड फ्रेट पर। देन मेरा सेकेंड फिंगर जो है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पर। देन मेरा थर्ड फिंगर मैं रख रहा हूँ सेकेंड स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट पर। देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा डी मेजर कॉर्ड। अब हमको डी मेजर कॉर्ड को प्ले करना है। हम एक एक स्ट्रिंग को धीरे धीरे हिट करेंगे डाउन स्ट्रोक की तरफ, अब में हम इसको फिर से प्ले करके देखेंगे। तो ब्लॉक साउंड देने पर बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल नॉन स्टॉप आपको प्रैक्टिस करना है। ब्लॉक होती है होने दीजिए, आप बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और फिर आपको बिल्कुल क्लियरली साउंड वो सुनाई देगा इस तरह। दोस्तों, ये है हमारा डी मेजर कॉर्ड। मैं आपको बताता हूँ कि डी मेजर कॉर्ड की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको डी मेजर कॉर्ड पकड़ना है और स्ट्रोक करना है डाउन, फिर कीजिए डाउन 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 डाउन, बिल्कुल स्लोली सुपर स्लो में डाउन स्ट्रोक कीजिए। फोर डाउन स्ट्रोक होने के बाद आप अपने कॉर्ड्स को ओपन कर दीजिए, फिर फिंगर उसी जगह पर जमाए और फिर फोर स्ट्रोक डाउन करें। तो दोस्तों, ये थे हमारा डी मेजर कॉर्ड। ई माइनर जो कॉर्ड हमारा है, मैंने आपको पहले फर्स्ट लेसन में बताया था ई माइनर सी, मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपने इसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की हो। और डी दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप काफी सॉन्ग्स आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इनकी कॉर्डिंग की शिफ्टिंग बता देता हूँ एक बार, कि आप इन कॉर्ड्स को किस तरीके से शिफ्ट करें, कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपको पहले ई माइनर पकड़ना है, फिर आपको सी मेजर कॉर्ड लगाना है, फिर आपको डी मेजर कॉर्ड लगाना है। एक कॉर्ड को लगाकर धीरे धीरे आसानी से शिफ्ट करें, फिंगर जमाने की कोशिश करें। टफ रहेगा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको हैबिट हो जाएगा। पहले इस तरह से एक 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 स्ट्रोक पर आप इसको ऐसे प्ले कीजिए, देन उसके बाद आप फोर स्ट्रोक करें एक कॉर्ड्स पर, फिर फोर स्ट्रोक कंप्लीट होते ही आपको बिल्कुल आराम से सी पर फोर स्ट्रोक करना है। देन उसके बाद सेम डी पर आपको सेम इसी तरीके से डाउन स्ट्रोक करना है। सुपर स्लो के बाद आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, फिर उसको साथ में जोड़ दें किस तरीके से, देखिए फोर फोर स्ट्रोक सभी कॉर्ड्स पर लगाना है और उसको ऐसे जोड़ दीजिए। सिर्फ मैं आपको फोर डाउन स्ट्रोक दे रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलरली आपको स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा हुआ आज का लेसन, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इन कॉर्ड कॉम्बिनेशंस में आपको कितने सॉन्ग्स आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको इन कॉर्ड्स पर कौन कौन से सॉन्ग्स आप गा सकते हैं।
रहा।